नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं कि जो फ्रेशर्स हैं, जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है अभी, वो किस तरह से गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो अभी एडमिशन लिए हैं या अभी आईआईटी जेई का एग्जाम जो है पास किए हैं, वैसे स्टूडेंट्स हमेशा मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर, हाउ टू प्रिपेयर द गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज आफ्टर पासिंग द आपका बीटेक एग्जाम, राइट? सो बीटेक एग्जाम के बाद हम किस तरह से हैंडल करें, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे अच्छा टाइम जो होता है आपका, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो है सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आप बहुत अच्छे से करें। बार बार मैं इस चीजों को रिपीट कर रहा हूं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को अच्छे से करें। एंड एप्टीट्यूड सेक्शंस शुरू से ही आप आर एस अग्रवाल की बुक ले लीजिए, एप्टीट्यूड का, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का, उसको आप अच्छे से कर लें। ये दो चीज आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट? सो दिस टू सब्जेक्ट्स हैव टू कंप्लीटेड विद इन फर्स्ट सेमेस्टर। नाउ सेकेंड सेमेस्टर तक भी जा सकता है, चलेगा, क्योंकि M1, M2 दो आपके मैथमेटिक्स होंगे एंड सम पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑफ M3। सो इस टाइप के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से कर लीजिए। आपके जो भी रिलेटिव एग्जाम्स हैं, जो भी आपके पेपर्स हैं, आपका जो भी ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ये चारों ब्रांच से आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कर सकते हैं। इन फोर्थ ब्रांच, ये चारों ब्रांच की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिए सेकेंड ईयर से, यानी थर्ड सेमेस्टर से। सो जस्ट प्रिपेयर फ्रॉम द थर्ड सेमेस्टर एंड दोज क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड इन योर गेट एग्जाम व्हिच विल कम्स फ्रॉम योर सेकेंड ईयर। सो मोस्ट फोकस ऑन द सेकेंड ईयर पे फोकस करें, थर्ड ईयर पे फोकस करें, है ना, एंड फाइनल ईयर का कुछ सब्जेक्ट को फोकस करना है, ठीक है? अब आपको करना क्या है, जो बिगनिंग है, जो लर्निंग फेज है, जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी बेसिक आपके कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, तो सेमेस्टर के साथ साथ वही सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट को आप अच्छे से करते चले जाएं। लेकिन अगर आपके कॉलेज में अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो रही, आपके कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, देन जस्ट टेक द कोचिंग लीजिए। कोचिंग लेने में बुराई नहीं है, कोचिंग आप लीजिए या किसी भी मेंटर्स जिसके साथ आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आप कनेक्ट रह सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन दो ब्रांच को मैं खुद हैंडल करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि ये दोनों ब्रांच को मैं लास्ट 10 ईयर से गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ऑल ओवर इंडिया में पढ़ा रहा हूं। ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां पे मैंने नहीं पढ़ाया। तो दो ब्रांच को तो मैं हैंडल कर लूंगा टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, नॉन टेक सारे ब्रांच का मैं हैंडल कर लूंगा सर। आई एम टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स सिंस 2012, इसलिए आई हैव नो एनी प्रॉब्लम्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस। प्लीज कभी भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम्स। तो आप जो है प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। तो सेकेंड ईयर में जैसे आप नेटवर्क मिलेगा, आपको कंट्रोल सिस्टम मिलेगा, डिजिटल मिलेगा, है ना, ईडीसी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब सब्जेक्ट जो गेट के पहले सिलेबस है उसको आप अच्छे से कीजिए। जब आपका गेट का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर गेट आप जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज पे आप फोकस कीजिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो सिलेबस है थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंप्लीट द गेट सिलेबस, देन यू शुड गो टू फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज। एंड जीएस पोर्शन आपको शुरू से ही ध्यान देने की जरूरत है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो बिगनर है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी, आप मैथमेटिक्स से उसके बाद जीएस पोर्शन आप शुरू से ही पढ़ते चले जाए। जीएस पोर्शन जो है आप देख लीजिए, जो आपका जैसे करंट अफेयर्स है उसको पढ़ने की आदत डालिए, न्यूज पेपर पढ़िए। अब आता मुद्दा कि सर न्यूज पेपर हम कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड द न्यूज पेपर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं।